Good morning, everyone. Welcome to Pro Talent, and I am Nitin Parmar. I welcome you all for this logical reasoning session. Dosto, हमने logical reasoning का analytical reasoning aspect, you can say, 2 week पहले चालू किया था. We gave orientation, ठीक है. We, you can say, completed few questions with you, and at the same time, we did one drilling exercise. Some around 5 sessions हमने लिए थे आपके सामने analytical reasoning के, और वो 5 videos आपके पास होंगे, जिसके अंदर हमने कोशिश करी थी दैट वी आर कवरिंग सम अराउंड 100 questions. ठीक है. सो दोस्तों, इस वीक का आपके लिए टारगेट है कि प्लीज़ इसको कंप्लीट कर लीजिएगा इन वीडियो को. इसके साथ आपको इगेन से एक प्रैक्टिस इगेन से सेट ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे. 50 questions होंगे जो एनालिटिकल रीजनिंग के होंगे, वो भी इस सैटरडे संडे को ख़त्म कर दीजिएगा. आई होप दिस इज कम्फर्टेबल फॉर एवरी वन. गुड मॉर्निंग याशिका, गुड मॉर्निंग साक्षी पाटिल. ठीक है, आप सबका स्वागत है दोस्तों, और मेक श्योर दैट यू डू दिस. ओके, सो ये सैटरडे संडे आपके पास टारगेट क्या है ये मैं बता दूँ, है ना. ये सैटरडे संडे आपके पास क्या क्या एक्टिविटी करने का काम है ये समझ लीजिए. ठीक है, यू हैव वन दिस LR के अगेन से 100 questions के वीडियो. अगर आप देख चुके हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ठीक है, 5 videos है, बराबर है, और 5 videos टोटल 100 questions इज वॉट वी हैव कवर्ड. सो उसको ख़त्म करना है. ठीक है, फिर वापस LR के 50 questions की सेल्फ प्रैक्टिस ये करना है. येस, दिस इज वॉट योर वर्क वुड बी. ठीक है, योर वर्क इज जुलाई मंथ week 2 करंट अफेयर का वीडियो अवेलेबल है. ठीक है, उस वीडियो के साथ उसकी PDF भी अवेलेबल है. ठीक है, है ना, जो आज करीबन इगेन से दोपहर में 2 बजे यू विल बी गेटिंग दिस जुलाई week 2 करंट अफेयर का मॉड्यूल. ओके, सो उसका वीडियो आपको 2 बजे मिलेगा. PDF आपको उसके पहले मिल जाएगी, आपकी मर्जी. आपको वीडियो देखना है साथ में PDF करना है, आपकी मर्जी. सिर्फ PDF करना है, योर वर्क. ओके, ठीक है, दोनों चीज़ करेंगे तो फ़ायदा है, है ना. पर अगर आप सिर्फ वीडियो देखेंगे तो मुझे लगता है कि कंसेप्ट डेवलप होंगे. ठीक है, पर बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपकी मिस हो जाएगी. सो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ. ठीक है, जो जो भी चीज़ मानो मैं नहीं बता पाया पर वो लिखी हुई है, प्लीज़ उसको गो थ्रू करिएगा. ठीक है, इसके अलावा यू हैव टू कंप्लीट अगेन से RC प्रैक्टिस क्वेश्चंस. 50 question का इसका टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ. ठीक है, CR के प्रैक्टिस 50 question का आपको टारगेट दे रहा हूँ. ठीक है, और CR और RC के कंसेप्ट की PDF ये 1 week में कंप्लीट होनी चाहिए. ठीक है, ये सब आपको आपके ऐप से मिलेगा दोस्तों. ठीक है, है ना, ये आपके पास ऑलरेडी वीडियो फॉर्मेट में लिंक अवेलेबल है. ठीक है, ये आपके पास आज आ जाएगा, ये भी आपके पास आज आ जाएगा. ठीक है, ये और ये कहानी भी आपके पास आज के दिन में आ जाएगी. सो आई एम श्योर आप सब लोगों को ये बातें समझ में आ रही है. ग्रेट दोस्तों, तो आज का कहानी हम चालू करते हैं. ये रहा हमारे सामने पहला सवाल. कैट के क्वेश्चंस में लेकर आता हूँ दोस्तों हर बार हमारी लॉजिकल रीजनिंग की क्लास के अंदर, सो दैट यू नो एग्जैक्टली द काइंड ऑफ क्वेश्चन वी आर डूइंग. दे आर बेसिकली फ्रॉम कैट. एटलीस्ट वी आर डेवलपिंग दैट थॉट प्रोसेस कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं. ओके, ठीक है. शिव बोल रहे वॉट इज हैपनिंग हियर. शिव, इट इज लॉजिकल रीजनिंग इज वॉट वी आर डूइंग. ओके, वॉट इज द क्वेश्चन यू हैव. यस, ठीक है, आप एक साथ 2 वीडियो देख रहे थे ऐसा लग रहा है. ठीक है, कहीं और का मैसेज कहीं और चिपका दिया आपने. कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. सो ये है आपका लेआउट ऑफ मेजर स्ट्रीट्स इन अ सिटी. ठीक है, तो हम ये डेटा पढ़ते हैं एंड देन वी गो टू द क्वेश्चंस. ठीक है, देखिए, तो क्वेश्चन है आपके सामने इस तरीके के, 2 क्वेश्चन है आपके सामने. ठीक है, हम ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, चलिए. सो ये जो डेटा है वो यहाँ पे मैं आपको बराबर दिखा रहा हूँ. जब हम यहाँ पे जाएंगे शायद आपको ये डेटा अच्छी तरीके से दिखे नहीं. ठीक है, बट यू हैव ऑलरेडी रेड इट, देन यू विल बी इन अ पोजिशन टू सी हाउ थिंग्स आर हैपनिंग. ओके, चलिए, ग्रेट दोस्तों. ठीक है, सो 2 days थर्सडे एंड फ्राइडे आर लेफ्ट फॉर कैंपेनिंग बिफोर मेजर इलेक्शन एंड द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हैज रिसीव्ड रिक्वेस्ट फ्रॉम 5 political parties फॉर टेकिंग आउट देयर प्रोसेशंस अलोंग द फॉलोइंग रूट्स. ठीक है, सो देर आर वी कैन से पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है, 5 political parties है, उनकी उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी है फॉर प्रोसेसिंग फॉर वी कैन से टेकिंग आउट द प्रोसेशन. कौन कौन से हैं? कांग्रेस, BSP, BJP, CPM और SP. ओके, सो ये आपके सामने है.
ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, शिव बता रहे, इट वॉज इन प्लेइंग एंड एज आई सेंड दैट इट स्टार्टेड. ठीक है, ओके, चलो अच्छी बात है, मैसेज भेजने से अगर वीडियो चालू हो जाता है सो वेरी गुड, है ना. ये हमें ये यूट्यूब वालों को बताना पड़ेगा कि भाई तुम लोगों के मैसेज देने के बाद उनका वीडियो चालू करो, कोड दे देते हम, इट विल बी वेरी गुड. बट एनीवे, चलिए, ग्रेट. स्ट्रीट बी एंड डी कैन नॉट बी यूज फॉर अ पॉलिटिकल प्रोसेशन और थर्सडे ड्यू टू रिलीजियस प्रोसेशन. सो कई प्रॉब्लम हो गया, रिलीजियस प्रोसेशन चल रहा है और साथ साथ में ये पॉलिटिकल प्रोसेशन. सो रिलीजियस प्रोसेशन की वजह से ये पॉलिटिकल प्रोसेशन को रोकना पड़ा. चलिए अच्छी बात है, दैट इज ओनली ऑन थर्सडे. द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज अ पॉलिसी ऑफ नॉट अलाउिंग मोर देन वन प्रोसेशन टू पास अलोंग द सेम स्ट्रीट ऑन द सेम डे. ठीक है, सेम स्ट्रीट पे सेम डे को एक से ज्यादा पॉलिटिकल प्रोसेस चलेंगे नहीं. हाउएवर एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट अलाउ ऑल पार्टीज टू टेक आउट देयर प्रोसेशन ड्यूरिंग दिस टू डेज. ठीक है, तो उनको मतलब सबको अलाउ करना है कंपल्सरीली. ठीक है, दिस इज वॉट दी कंडीशन दे हैव पुट इन. ओके, सो कांग्रेस जाएगा ए सी डी ई, सो इट विल गो फ्रॉम ए टू सी, ओके, देन डी एंड देन ई. दिस इज द प्रोसेस ऑफ कांग्रेस. ठीक है, बी एस पी है ना, बी एस पी विल गो बाई बी सी ई, सो इट इज बी सी ई. तो दोनों का कोई क्लैश नहीं हो रहा, अगर दोनों सेम डे पे करना चाहे तो कर सकते हैं. इफ यू गो बाई लेट्स से बीजेपी है ना, तो बीजेपी को सब ऑरेंज कलर दे देते हैं. ठीक है, ए बी डी ई, सो दिस इज ए बी डी ई. सो आप देख सकते हैं इसका भी कोई क्लैश हो नहीं रहा है. हाँ, क्लैश हो रहा है, एक मिनट, कहाँ पर, डी और ई का, है ना भैया. बीजेपी और कांग्रेस क्लैश नहीं करेगी तो क्या होगा, कभी पॉसिबल ही नहीं है ऐसा, तो है ना, तो क्लैश हो गया, है ना, दैट इज डी और ई के बीच में क्लैश हो गया. सो दैट इज वेयर द इश्यू इज. सो ये दोनों साथ में नहीं चलेंगे, मतलब दोनों थर्सडे को नहीं चल सकते, दोनों सेम डे फ्राइडे को नहीं चल सकते. सो दोनों को दिन अलग अलग देने पड़ेंगे. एट द सेम टाइम बी डी इज नॉट वर्किंग. ठीक है, बी डी इज नॉट अलाउड फॉर अ प्रोसेशन ऑन लेट्स से थर्सडे. ठीक है, है ना, दिस इज थर्सडे को वहाँ पर रिलीजियस प्रोसेशन चल रहा है. सो इतना पक्का हो गया कि भाई बीजेपी वाले भाई साहब है ना, बीजेपी मस्ट गो ऑन फ्राइडे, क्योंकि बीजेपी को बीडी वाले रास्ते पे जाना है. ये सुनो, ठीक है, बीजेपी को बीडी वाले रास्ते जाना है और कांग्रेस, ठीक है, कैन गो ऑन थर्सडे. ठीक है, ताकि दोनों में क्लैश ना हो. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर. ठीक है ना, ये हमारा कंडीशन. देखो, ये जब आप ऐसा पढ़ते हो है ना, जब आपको समझ में आ रहा है कि एक लिमिटिंग कंडीशन डेवलप हो रही है. ठीक है, लिमिटिंग कंडीशन डेवलप हो रही है, उधर ध्यान देना ही देना है. ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों. सो डी ई में एक मात्रा है, ठीक है, और डी ई कांग्रेस है, तो इन दोनों में से कोई एक, सॉरी नॉट डी ई बट बी डी है ना, सॉरी बी डी, बी डी एक इसका है, बी डी और किसी का नहीं है. विच मीन्स बी डी अगर थर्सडे को बंद है तो ये पक्का है कि बीजेपी को फ्राइडे जाना पड़ेगा. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर. चलिए ग्रेट, तो समझ तो आ गया है. अब ये लोग क्वेश्चन पूछेंगे, हम उसके ऊपर से आंसर निकालेंगे. आई थिंक आपको भी समझ में आया है क्या, है ना, डिड यू अंडरस्टैंड दिस, टेल मी, है ना. अगर आपको भी समझ में आया है सो आई कैन गिव दिस क्वेश्चंस टू यू टू सॉल्व. ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं अगेन से नहीं समझ में आया है, तो बिल्कुल है ना, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू इट. ओके, प्रॉबेबली द रिलीजियस प्रोसेशन ऑफ मंदिर यहीं बनेगा वुड स्टॉप बीजेपी फ्रॉम गोइंग टू बी डी. बिल्कुल सही बात है परेश, है ना. सो मतलब ये मंदिर वाले पे तो क्या ही जोक बन सकते हैं अब तो, है ना. और अभी वापस प्रॉब्लम चालू हो गया. ठीक है, सो वन ग्रुप सेज कि 5th August इज नॉट अ ऑस्पिशियस डे ऑन धर्म के मुताबिक. ओके, और एक ऐसे कुछ ग्रुप बोलते हैं कि नहीं नहीं भैया वो तो 5th August को ही होगा. ठीक है, सो उसमें भी लड़ाई हो गई. सो मुझे लगता है कि ये भारत और राम भगवान है ना, जैसे रामायण में भी ये दोनों कभी साथ में रहे नहीं. ठीक है, जब भी भारत को आगे बढ़ाया तो राम भगवान को वनवास देना पड़ा, राम भगवान आए तो भरत साहब को प्रॉब्लम होने लगा. ठीक है, तो ये वही मतलब राम और भरत की ये परेशानी है. तो भारत और राम की परेशानी तो मुझे लग रही है बड़ी है. ठीक है, मंदिर नहीं बन रहा था, मंदिर बन रहा है तो मंदिर के बीच की तारीख के लिए लड़ाई हो रही है, पता नहीं क्या क्या होगा. एनीवे, चलिए ग्रेट. सो इफ यू आर कंफर्टेबल आई कैन गिव दिस क्वेश्चंस टू यू टू सॉल्व. इज इट पॉसिबल, बताइए दोस्तों.
कैन आई डू दैट, है ना, कैन आई गिव यू दिस काइंड ऑफ स्टफ, बताइए, कैन आई गिव दिस क्वेश्चन? बिल्कुल, नेपाल तो है ना, नेपाल पता नहीं खुद तो फंसा हुआ है ना, ठीक है, तो ओली साहब का कहीं पे लफड़ा चल रहा है, ठीक है, तो ओली साहब का कोई एक ऐसे चाइना की कोई एम्बेसडर के साथ कुछ एक ऐसे पंगा है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, यस, ठीक है. ओ याशिका, आर यू इन नेपाल, इज इट श्योर याशिका, इज इट याशिका, आर यू श्योर, ठीक है, बाकी लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए. याशिका, आई एम सरप्राइज दैट यू आर इन नेपाल, ठीक है, आई नो लॉट ऑफ माई मतलब कपल ऑफ माई फ्रेंड्स आर इन नेपाल, ठीक है, दे आर देयर डूइंग सम बिजनेस देयर, ठीक है, उनका वहाँ पे बिजनेस सेट हो गया है, सो दे आर हैप्पी देयर, बट आर यू रियली इन नेपाल, ठीक है, आई डाउट आर यू जस्ट जोकिंग और नॉट. चलिए ग्रेट, प्लीज सॉल्व करिए. कांग्रेस प्रोसेशन कैन बी अलाउड, ओके, सो राम भगवान के बारे में शिव बोल रहे, शिव राम के बारे में बोल रहे, हिज होल लाइफ हैड अ पर्पस टू टीच मैनकाइंड मैनकाइंडनेस, ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स होंगे, ओके शिव, अच्छी बात है, शिव राम भगवान के बारे में बोल रहे. चलिए भैया फटाफट बताइए पहले सवाल का आंसर, पहले सवाल का आंसर, कांग्रेस प्रोसेशन कैन बी अलाउड, पहले सवाल का आंसर जल्दी, क्वेश्चन नंबर वन का आंसर, चारू सेज वन ओनली ऑन थर्सडे, ओके, क्रुणाल सेज ओनली ऑन थर्सडे, ओ याशिका वॉज वेरी सार्कास्टिक, ओके, ठीक है, ओली सेड अयोध्या इज इन नेपाल, रामजी इज इन नेपाल, एवरीवन इज इन नेपाल, सो चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है. दोस्तों आप लोग ये भावनाओं में बह गए और ये क्वेश्चन आपने अच्छे से देखा नहीं, जब आपने फर्स्ट का आंसर ए मार्क कर दिया तो वहाँ पे दुनिया बर्बाद हो गई आपकी, ये सुनो क्यों बर्बाद हो गया, आपका लॉजिक का अलर्टनेस टूट गया, है ना, लॉजिक में अलर्ट चाहिए, है ना, लॉजिक इक्वल टू अलर्टनेस, ठीक है, लॉजिक इज इक्वल टू अलर्ट, ये अगर आप समझ पाओ तो बहुत अच्छी बात है. अब आपका अलर्टनेस मैंने तोड़ दिया, है ना, और आपके अलर्टनेस पे मैंने आपके सामने क्वेश्चन डाला और आप बिल्कुल बर्बादी में चले गए. आपने वन ए कैसे मार्क कर सकते हो बताओ, ठीक है, कांग्रेस प्रोसेशन कैन बी अलाउड, ठीक है, कब बताओ दोस्तों, कांग्रेस प्रोसेशन कैन बी अलाउड, कांग्रेस कब कब अलाउ हो सकता है बताओ, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, आप अगर वन ए बोल दोगे तो गलत है, क्यों गलत है, इट इज ऑन ईदर डे, क्यों, क्योंकि भाई थर्सडे को जो प्रोसेशन हो रहा है वो बीडी से जा रहा है, कांग्रेस को जाना है ए सी डी ई, वहां से जाना है, सो कांग्रेस कैन बी अलाउड ऑन एनी डे, ठीक है, कांग्रेस कैन बी अलाउड ऑन एनी डे, यस और नो, ठीक है, बराबर है, सवाल ये पूछा है कि वो कब अलाउ हो सकता है, कैन बी अलाउड है, इज दिस कंफर्टेबल, सबको बात समझ में आ रही है, वेरी गुड दोस्तों, बताइए इज दिस कंफर्टेबल, प्लीज टेल मी, क्या हुआ भाई, परेश बोलते हैं कि पर सर फ्राइडे को बीजेपी के साथ क्लैश हो जाएगा, हाँ हो तो जाएगा, ये सर नो, पर बात ये पूछी है कि वो कैन बी अलाउड, यू हैव टू लुक एट द वर्ड कैन बी अलाउड, ओके, ठीक है, ओके, भले वो फ्राइडे के साथ क्लैश होगा, वो जा सकता है फ्राइडे को भी और एक ऐसे थर्सडे को भी, वाइल बीजेपी
cannot go on, you can say, Thursday. BJP must go only on Friday. Yes or no? क्योंकि उसके पास जो condition है उस condition के मुताबिक. Yes or no? ये can be है. Can be का मतलब क्या? Can be का ये मतलब है कि we accept certain conditions जो जो यहाँ पे देखे रखी है कि भाई BD cannot be used for a political procession Thursday. ये condition हम लगाएंगे. बराबर है, ठीक है. All parties must allow, है ना, they must be allowed. Whether they will take it or not is a secondary issue. Yes or no? तो हमें ये देखना है कि can Congress be allowed on all days? Yes, Congress can be allowed. Okay? But then BJP cannot allow on Friday and BJP and Congress cannot pass on the same day. Agreed. है ना? Charu, I understand your point. Yes? ठीक है. कि दोनों same day पे जा नहीं सकते. Yes or no? पर सवाल ये नहीं पूछा है कि भाई Congress must be allowed on which day? Congress can be allowed. With all the conditions, ठीक है, देखो ये जो conditions है ये लोगों की जाने की इच्छा है. It is their intent. Yes or no? It is their intent. Well, these are short conditions. Okay? So, what we have to do is, we have to follow these conditions or condition mein can be allowed hai. I think this is pretty comfortable. Great. ठीक है, so answer होना चाहिए इसका 3. Number 2, which of the following is not true? Okay? परेश बोलते हैं नॉट ट्रू का आंसर सेकंड है. देखते हैं, कांग्रेस एंड एसपी कैन टेक आउट देयर प्रोसेशन ऑन द सेम डे, है ना. कांग्रेस एंड एसपी कैन दे गो इन द सेम डे, है ना. यस, दैट इज पॉसिबल, क्योंकि ये ए बी डी ई है. कांग्रेस इज ए बी डी ई, ठीक है, और एसपी इज ए बी सी ई. ओके, इज दिस कंफर्टेबल? ओके, ग्रेट. सो कैन दे बी अलाउड? यस. द सी पी एम प्रोसेशन कैन नॉट बी अलाउड ऑन थर्सडे. सी पी एम कहाँ से जा रहा है? ए सी डी से जा रहा है. अब देखिए, आप ये पक्का हो गया कि कांग्रेस को थर्सडे को जाना है ना. कांग्रेस अगर थर्सडे जाएगा तो ए सी डी सेम रूट पे सी पी एम जा नहीं सकता. सो सी पी एम प्रोसेशन कैन नॉट बी अलाउड ऑन थर्सडे. ये सुनो, बात तो सही है, ये तो वैलिड है. परेश, आपका आंसर 2-2 क्यों हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है, उसके मुताबिक ये तो सही है, ये तो वैलिड है, ठीक है. थर्सडे को जाएंगे नहीं, क्योंकि थर्सडे को कांग्रेस जाएगा. ये सुनो, ए सी डी ई के रूट से थर्सडे को कांग्रेस जाएगा और सी डी रूट कॉमन होता है सी पी एम और कांग्रेस का. सो उस दिन सी पी एम जा नहीं सकता. सो सी पी एम कैन नॉट बी अलाउड ऑन थर्सडे. बीजेपी प्रोसेशन ओके, परेश का पॉइंट हम वैलिड मानते हैं. बीजेपी प्रोसेशन कैन ओनली टेक प्लेस ऑन फ्राइडे, दिस इज ट्रू. कांग्रेस एंड बीजेपी बीएसपी कैन टेक आउट देयर प्रोसेशन ऑन द सेम डे, ठीक है. बीसी एसीडीई और ये बीसीई है, ठीक है. कैन दे गो ऑन द सेम डे? इज दिस पॉसिबल? यस, कांग्रेस एंड बीएसपी कैन टेक आउट देयर प्रोसेशन ऑन द सेम डे. ये ए सी डी से जाएगा और ये भाई साहब जाएंगे बी सी ई वाले रास्ते से. ओके, सो ये बी सी ई को चले गए, बराबर है. ओके, कांग्रेस और ये ओके ए सी डी वाला गणित नहीं है. बीजेपी फ्राइडे को जाएगा, ठीक है. ए बी सी ई अगर हम करते हैं तो ए बी सी ई, ठीक है. ये एस पी तो ए बी सी ई के साथ करने जाएंगे तो बीजेपी के साथ भी अटकेगा. ओके, और एस पी वाला सी पी एम के साथ भी कन्फ्लिक्ट मारेगा. ओके, तो कांग्रेस एंड बी एस पी कैन टेक आउट द प्रोसेशन ऑन द सेम डे. यस, इट इज पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है. सो ओनली आंसर इज 2. दे कैन नॉट बी अलाउड ऑन थर्सडे. दे कैन बी अलाउड, ये सुनो, दे कैन बी अलाउड, बराबर है, ठीक है. ये कांग्रेस और बीएसपी कैन टेक आउट देयर प्रोसेशन ऑन द सेम डे. अलग अलग दिन पे कर सकते हैं क्या? ठीक है, अलग अलग दिन पे करने गए, ठीक है, तो कांग्रेस और बीएसपी अलग अलग दिन पे करने गए तो वो पॉसिबल होगा नहीं. तो आंसर हो गया 2. इज दिस कंफर्टेबल? ग्रेट दोस्तों, ठीक है. ये था आपका नेटवर्क डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है. नेटवर्क डायग्राम, है ना. वैसे
काफ़ी मैनेजेबल होते हैं, इतने भारी नहीं होते हैं, ये क्वेश्चंस करना इतना कॉम्प्लिकेटेड कभी भी नहीं होता है। चलिए ग्रेट दोस्तों, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये है आपका गेम का एग्ज़ाम, मतलब एक तरीके से टूर्नामेंट है, ठीक है, एक टूर्नामेंट, ठीक है। याशिका बोलते हैं सर ये फोर्थ वाला एक्सप्लेन करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस बीएसपी कैन टेक आउट देयर प्रोसेशन ऑन द सेम डे। अब देखिए, कांग्रेस को जाना है एसीडी और ये बीसी, बीसी इन दोनों में क्लैश नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कांग्रेस और बीएसपी अलग अलग दिन पे अगर होते हैं, ठीक है, तो बीएसपी किस किस के साथ क्लैश होगा। बीसीई के फॉर्मेट में वो एसपी के साथ क्लैश करेगा, ये सुनो, है ना, क्योंकि उसके अंदर सीई आ रहा है, बराबर है। सो कांग्रेस एंड बीएसपी कैन टेक आउट देयर प्रोसेशन ऑन द सेम डे, इज इट पॉसिबल, कैन दे डू दैट ऑन द सेम डे, इज इट पॉसिबल। कंपल्सरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, कैन बोला है, मस्ट नहीं बोला है, मस्ट नहीं बोला है, ये सुनो, ठीक है। सो इट इज कैन, कैन दे कैन से डू ऑन द सेम डे, दे कैन, क्योंकि दोनों में कोई भी क्लैश नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल है। This is right, this is true. So answer is only number 2. Is this very clear? Great. चलिए great है दोस्तों, है ना, आगे बढ़ते हैं। अब ये पूरा स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन, ताकि आप अच्छे से देख पाए। Yes, चलिए great. पूरा स्क्रीन पे आपके सामने सवाल, ओके okay. आप पढ़ सकते हैं क्या? Is it visible to you? Is this reasonably visible? Say yes or no. Is this visible? I'll help you to by reading it, so don't worry about it. But at least कुछ कुछ मैं पढ़ूं तो समझ में आए, उतना तो आपको दिख रहा है क्या? Please tell me. Okay, great. Let's start. So in the table below is a listing of players seeded from highest to lowest. ठीक है दोस्तों, ये seed होती है, है ना, रैंकिंग होती है, टूर्नामेंट है ये, इसमें रैंकिंग हो रही है, रैंकिंग, हाईएस्ट रैंकिंग इज 1, लोएस्ट इज 32, ओके, हु आर ड्यू टू प्ले इन एटीपी टूर्नामेंट फॉर वुमेन। द टूर्नामेंट हैज 4 नॉकआउट राउंड्स बिफोर द फाइनल, बिफोर द फाइनल 4 राउंड्स प्लस फाइनल, सो टोटल 5 बार, मतलब 5 राउंड्स खेले जा रहे हैं, ओके, फर्स्ट राउंड, सेकेंड, क्वार्टर फाइनल एंड सेमीफाइनल, ओके, चलिए ग्रेट। क्वार्टर फाइनल में 4 लोग होंगे, क्वार्टर फाइनल में 4 मैचेस खेली जाएगी, सेमीफाइनल में 2 मैचेस खेली जाएगी और फाइनल में 1 मैच खेली जाएगी, ये सर नो, ठीक है दोस्तों। ये 32 लोग हैं, है ना, 32 लोग हैं, हम आगे नहीं पढ़ रहे अभी भी, हम थोड़ा सा हमारा खुद का लॉजिक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। 32 लोग हैं, है ना, तो ये 32 लोग कितनी मैचेस खेलेंगे पहले राउंड में? पहले राउंड में दो दो लोगों के बीच में एक मैच होगी, तो 16 मैचेस खेली जाएगी, इनमें से 16 विनर होंगे, तो सेकंड राउंड में 8 मैचेस खेली जाएगी, ठीक है, 8 में 8 विनर होंगे, तो जो क्वार्टर फाइनल होगा उसमें 4 मैचेस खेली जाएगी, ये सुनो, और उसके बाद सेमीफाइनल में 2 मैचेस खेली जाएगी और फाइनल में 1 मैच खेली जाएगी। इज दिस ओके? समझ में आ रहा है सबको ये नंबर ऑफ मैचेस का गणित? यस, ठीक है, बहुत इजी था, बहुत इजी था, चलिए ग्रेट दोस्तों, ठीक है, ये तो पता ही होता है सबको, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। सो इन द फर्स्ट राउंड द हाईएस्ट सीडेड प्लेयर प्लेस विद द लोएस्ट सीडेड प्लेयर, ठीक है, विच इज डेजिग्नेटेड एज मैच नंबर 1 ऑफ द फर्स्ट राउंड। सेकेंड सीडेड प्लेयर प्लेस 31st सीडेड प्लेयर विच इज डेजिग्नेटेड एज मैच नंबर 2 ऑफ द फर्स्ट राउंड एंड सो एंड सो फोर्थ। अरे वाह, बहुत मजेदार सी दुनिया ये तो, ये सुनो। सो बेसिकली क्या हुआ, जो आपकी पहली मैच है इट इज बीइंग प्लेड बिटवीन 1:32, सेकेंड मैच इज प्लेड 2:31, थर्ड मैच इज 3, यू कैन से 30, ओके, 4:29, 5:28, 6:27, 7:26, 8:25, 9:24 एंड सो एंड सो फोर्थ। सो आखिरी वाला कौन सा होगा पता है? आखिरी वाला होगा ये 16:17 वाला, यस 16:17, ये आपकी आखिरी मैचेस होगी। इज दिस वेरी क्लियर टू एवरीवन? सबको ये बात समझ में आ रही है? आप बीच बीच में मुझे बताते चलिएगा, सो दैट एट एनी स्टेप इफ यू आर लॉस्ट आई कैन अंडरस्टैंड इट, आई कैन मॉडिफाई इट,
and I can help you to understand this entire idea. Okay, great. So, thus, for instance, match number 16 of the first round is played between 16 seeded player and 17 seeded player. Very good. Ye humne kar chuke hain. Very good. In the second round, the winner of the match number 1 of the first round plays the winner of the match of number 16. Okay, so यहाँ से अब second round में क्या होगा पता है? यहाँ से जो भी जीता होगा, whosoever is the winner, ठीक है, is playing with this match winner. Okay, ये लोग match खेलेंगे. Okay, फिर ये 2 वाला 15 वाले के साथ, 3 वाला 14 वाले के साथ, and so forth. ये समझ में आया? This is happening in the second round. Okay. This is happening in the second round. ये भी समझ में आया तो बताते रहिएगा दोस्तों, ठीक है? Very good. Similarly, the winner of match number 2 of the first round plays with the winner of the match number 15 in the first round, ठीक है? And is designated as match number 2 of the second round. Thus, for the instance, match number 8 of the second round is played between the match number 8 winner and winner of match number 9, ठीक है? And same pattern is followed in the later round of the matches. ठीक है, ये समझ में आया? हाउ आर यू मूविंग फ्रॉम फर्स्ट राउंड टू सेकंड राउंड? इज दिस वेरी क्लियर टू एवरीवन? ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ या ना? चारू गॉट इट? वेरी गुड. आई एम हैप्पी. यस, ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस? प्लीज टेल मी फास्ट, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? हाउ आर यू मूविंग फ्रॉम फर्स्ट राउंड टू सेकेंड राउंड? ओके, चलिए ग्रेट दोस्तों. तो ये हो गया है, तो हमारे पास ये पूरी दुनिया है. अब हम क्या करेंगे? हम आगे की दुनिया देखेंगे, है ना? क्वेश्चन पढ़ेंगे. क्वेश्चन है, देर आर नो अपसेट्स, दैट इज अ लोअर सीडेड प्लेयर बीटिंग अ हायर सीडेड प्लेयर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपसेट? अपसेट का मतलब है कि लोअर सीडेड प्लेयर इज बीटिंग हायर सीडेड प्लेयर. मतलब अगर मानो, ठीक है, ये मैच नंबर 132 के बीच में खेली जा रही है और यहां पे अगर 32 वाला जीत गया तो इसको अपसेट बोलेंगे. ये सुनो, सिमिलरली 16-17 में अगर 17 वाला जीत गया तो उसको अपसेट बोलेंगे. सिमिलरली 330 में 30 वाला जीत गया तो उसको अपसेट बोलेंगे. ओके, सो इफ देर आर नो अपसेट इन द फर्स्ट राउंड, अगर पहले राउंड में कोई अपसेट नहीं है, मतलब कौन जीता? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इतने लोग जीत गए ना, यही सीडेड लोग जीत गए. और ये गए कौन से राउंड में? दे वेंट टू सेकेंड राउंड, ठीक है. देन ओनली मैच नंबर 6, 7, 8 ऑफ द सेकेंड राउंड रिजल्ट इन द अपसेट. सो दोस्तों, कौन सी? 6, 7, 8. सो ये 1, 16 के साथ खेलेगा, 2, 15 के साथ खेलेगा, 3, 14 के साथ खेलेगा, ये 13 के साथ, ये 12, ये 11, ये 10, ये 9, ठीक है. ऐसे मैचेस खेली जाएगी सेकंड राउंड में. यस और नो? ठीक है, ये सेकंड राउंड की मैचेस है. और अपसेट कहां पे हुआ? द ओनली मैच नंबर 6, 7, 8 ऑफ द सेकंड राउंड ऑफ द रिजल्ट इन अपसेट. सो यहां पे ये लोग हार गए, ये हारा, ठीक है. जीता कौन? 1, 2, 3, 4, 5, 11, 10, 9, ये लोग जीते, ठीक है. नाउ दिस पीपल आर मूविंग इन द थर्ड राउंड. Then, who would play Lindsay Davenport in quarterfinal in case Davenport reaches quarterfinal? So, where is Lindsay Davenport? Lindsay Davenport is number 2, ठीक है. तो अगर वो number 2 पे जाएगी तो अगला जो राउंड है वो कौन सा है भैया? अगला राउंड है quarterfinal है, ठीक है. तो Lindsay Davenport quarterfinal में किसके साथ खेलेगी, ठीक है? Number 10 के साथ. Number 10 पे है कौन? Number 10 पे है Venus Williams. So, answer has to be Venus Williams. Is this okay? Is this okay? Is the question number 1 clear in your head? Kitna easy tha? I'm sure aap sabko samajh mein aaya hoga. Yes? Is that easy? Kaafi easy tha mere hisab se to. Aapko bhi samajh mein aaya hoga. It is very easy. Do you understand the idea of upset? Yes? Very good. I'm happy that you guys have understood this. Very good. I'm moving forward. ठीक है, next question करते हैं, number 2. दोस्तों, किसी को भी समझ ना आए, please आप मुझे पूछिएगा, okay? किसी को भी अगर बात समझ में ना आए, please वहीं पर रोक दीजिएगा. I will repeat it one, मतलब many times. So don't worry about it, okay? ठीक है, नहीं तो क्या होगा? If I'm progressing further and then we have to come back.
सो इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट. ओके चलिए ग्रेट दोस्तों. इफ एलेना डेमेंटिवा एंड सेरेना विलियम्स लूज इन द सेकेंड राउंड वाइल जस्टिन हेनिन एंड नादिया पेत्रोवा मेक इट टू द सेमीफाइनल देन वुड प्ले मारिया शारापोवा इन द क्वार्टर फाइनल इन द इवेंट शारापोवा रीचेस द क्वार्टर फाइनल. ठीक है दोस्तों, सेकेंड राउंड में एलेना डेमेंटिवा और सेरेना विलियम्स इगेन से लूज करते हैं. सो ये तो पक्का हो गया कि पहले राउंड में तो सब दुनिया बराबर चल रही थी. ये सुनो, सो पहले राउंड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है ना. सो ये दुनिया ऐसे चल रही थी. ये सुनो, सो सेकेंड राउंड में क्या हुआ, सेकेंड राउंड में 1, 16, 2, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 ये सेकेंड राउंड में हुआ. अब हम देख लेते हैं एलेना डेमेंटिवा और सेरेना विलियम्स का रैंक कौन सा है, क्योंकि वो लोग हार गए. ठीक है, एलेना डेमेंटिवा इज अ सिक्स सीडेड सो ये हार गई. ये सुनो, सेरेना विलियम्स इज एट पोजिशन. ये सुनो, तो ये एट पोजिशन पे हार गए. ये सुनो, चलिए ग्रेट दोस्तों. वाइल जस्टिन हेनिन एंड नादिया पेत्रोवा मेक इट टू द सेमीफाइनल देन हु वुड प्ले मारिया शारापोवा इन द क्वार्टर फाइनल. सो बहुत ईजी है, दिस इज वन. अब जीते कौन है ना, ये सेकेंड राउंड के बाद जीतने वाले नंबर कौन से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 की जगह पे 11 और लेकिन से ये ऑब्वियसली 7 जीते होंगे और 8 की जगह पे 9. ओके, सो क्वार्टर फाइनल में मारिया शारापोवा, बिकॉज शी इज है ना, मारिया शारापोवा ठीक है इज अ नंबर वन प्लेयर. ठीक है, सो मारिया शारापोवा इज नंबर वन, शी विल प्ले विद द नंबर 9 इन द क्वार्टर फाइनल. सो नंबर 9 पे दुनिया पे कौन बैठा हुआ है, नादिया पेत्रोवा. ठीक है, सो नादिया पेत्रोवा इज द आंसर. सो आंसर वुड बी 3. इज दिस क्लियर, इज दैट इजी दोस्तों, बताइए, इज दिस आइडिया वेरी क्लियर एंड इजी फॉर एवरी वन ऑफ यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है, बहुत इजी था जो पहला सवाल था. ठीक है, वही चीज यहां सेकेंड में दी, मतलब इन्होंने अपसेट बोला नहीं, उन्होंने इनडायरेक्टली बोल दिया एलेना डेमेंटिवा एंड सेरेना विलियम लूज इन द सेकंड राउंड है ना. क्वेश्चन नंबर वन में उन्होंने 6, 7, 8 अपसेट बोला था, यहाँ पे 6 और 8 अपसेट हुआ. ठीक है, ऐसा उन्होंने अपसेट बोला नहीं, पर उन्होंने बोला कि ये लोग हार गए थे. ये सर नो, सो देर बाई इट टर्न आउट बी ईजी. ठीक है, अब ये मारिया शारापोवा का नाम आया तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें याद आ गई भैया है ना. मारिया शारापोवा रशिया से है और रशिया में ठीक है भाई डोपिंग, यू नो डोपिंग, बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक वे में सरकार खुद करती है. सरकार खुद अपने एथलीट्स को भरपूर ड्रग्स स्टीरोइड देती रहती है. मारिया शारापोवा को करीबन 2 साल बैन किया गया था बिकॉज शी वॉज टेस्टेड पॉजिटिव ऑन डोपिंग और ओलंपिक्स ने, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमिटी ने रशिया को 4 साल के लिए बैन कर दिया है. यस, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड परेश. ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते दोस्तों. अगला सवाल हमारे सामने, तीसरा सवाल. ठीक है, चलिए ग्रेट. इफ इन द फर्स्ट राउंड ऑल इवन नंबर मैचेस एंड नन ऑफ द ऑड नंबर मैचेस रिजल्ट इन द अपसेट. ओके ग्रेट, तो पहले वो लिख देते हम है ना, पहले हम वो लिख देते हैं कि भाई ऑल इवन नंबर मैचेस रिजल्ट इन द अपसेट. कब, इन द फर्स्ट राउंड. ऑड नंबर मैचेस में तो भाई जीत गए. सेकंड, अब 1 और 32 के सामने जीत खेल रहे थे. 132 था ठीक है, 231 था, 330 था ठीक है, 429 था, 528 था एंड सो एंड सो फोर्थ. ठीक है, इस तरीके से दुनिया थी. तो इसमें जीते कौन, 1 जीता 3 जीता 5 जीता और यहाँ पे अपसेट हुआ 2 का 4 का, ऐसा हो गया. ठीक है, ऑल इवन नंबर मैचेस आर रिजल्टिंग इन अपसेट, बराबर है. सो मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ, मेरे लिए बहुत ईजी है लिखना, आप देखेंगे आप भी बहुत ईजीली कर पाएंगे. 1, फिर ये जीता कौन यहाँ पे 32, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे जीता कौन. ठीक है, 32 के बाद 2 का गैप, सॉरी ये 3 है ना, 32 के बाद 2 का गैप विच इज़ 30, बराबर है. फिर 5 क्या होगा, 28, फिर 5 के बाद 7, फिर क्या होगा आपका 28 की जगह पर, दिस विल बी 26, 7 7 प्लस 2 दैट इज 9, दिस इज 24, 11, 22, दिस इज 13, दिस इज 20, दिस इज 15, दिस इज यू कैन से 18. ओके चलिए ग्रेट दोस्तों, है ना. अगला मैच कौन सा था, 17 जीता,
17 तक तो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि पहले राउंड में 16 मैचेस हो रही है, ये सुनो। चलिए ग्रेट दोस्तों, ठीक है, ओके, बिल्कुल, चलिए ग्रेट। सो यहाँ तक तो बात बराबर है, एंड देर आर नो अपसेट इन द सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में कोई अपसेट नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए सेकेंड राउंड में 118 के सामने खेलेगा, है ना, तो जीतेगा कौन भैया, है ना, जीतेगा कौन, जीतेगा वन, ठीक है। 32 15 के सामने खेलेगा तो जीतेगा 15, ये सुनो, अपसेट नहीं हो रहा है, ये सुनो, अपसेट नहीं हो रहा है, ठीक है। कृणाल बोलते हैं 31 आएगा ना सर, 31 नहीं आएगा ना, ठीक है, सॉरी ये 31 होगा, अरे बिल्कुल मैंने पूरी गलती कर दी यहाँ पे, दिस इज 31, तो ये मैंने पूरी कहानी गलत कर दी है, 31 29, ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू कृणाल, 27 25 23 21 19 17, चलिए ग्रेट। अब 117 के सामने खेलेगा तो 1 जीतेगा, 31 15 के सामने खेलेगा तो 15 जीतेगा, ये 3 हो गया। अब क्या करेंगे पता है, अब हम 15 में से 2 माइनस करेंगे और 3 में 2 2 ऐड करते जाएंगे, सो ये हो गया आपका 13, ठीक है, ये आपका हो गया 5, ये हो गया आपका 11, ये हो गया 7, ठीक है, और ये हो गया आपका 11 माइनस 2 इज 9, ओके। सो कितने नंबर हो गए, 1 2, जस्ट अ मिनट, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8, 8 मैचेस हो गए ये सेकेंड राउंड में, ठीक है, ग्रेट। देन हु कुड बी द लोएस्ट सीडेड प्लेयर फेसिंग मारिया शारापोवा इन द सेमीफाइनल, ठीक है, सवाल पे ध्यान देने का, कुड बी, ठीक है दोस्तों, आज के सवाल में भी आगे वाला जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें कैन था, तो हमें और हर पॉसिबिलिटी देखनी है, वी हैव टू सी ऑल पॉसिबिलिटीज, ओके। सो यहाँ पे कुड है, कुड मतलब कि कौन कौन खेल सकता है, ओके, और हु कुड बी द लोएस्ट सीडेड प्लेयर, ठीक है। सो दोस्तों वन और जो अगेन से कप सेमीफाइनल के बारे में बात हो रही है, तो क्वार्टर फाइनल में जब जाएंगे, इसको मैं रब कर देता हूँ, क्वार्टर फाइनल में जब जाएंगे यहाँ से, सो क्या खेला जाएगा देख लेते हैं। 1 9 के साथ खेलेगा, ठीक है, 15 7 के साथ खेलेगा, ठीक है, 3 11 के साथ खेलेगा, 13 5 के साथ खेलेगा, ये आपका क्वार्टर फाइनल है, ओके, ठीक है। अब उसके बाद जब सेमीफाइनल में पहुँचेंगे तो ये इनके साथ खेलेंगे और ये इनमें इससे खेलेंगे, ये सर नो, मतलब यहाँ से विनर कौन होगा, ऑब्वियसली इन्होंने बोल दिया मारिया शारापोवा, मारिया शारापोवा नंबर 1, वो जीतने वाली है, ये सर नो, तो 1 जीतेगी। अब 1 किसके साथ खेल सकती है, या तो 13 या तो 5, ये सर नो, तो लोएस्ट सीडेड पॉसिबल कौन है, वो 13 हो गया लोएस्ट सीडेड, बराबर है, सो शी कैन प्ले अगेंस्ट 13th नंबर प्लेयर, 13th नंबर पे कौन है, 13 नंबर पे एनास्टेशिया मिस्किना है, तो एनास्टेशिया मिस्किना इज द आंसर, आंसर वुड बी 1, यस, समझ में आया सबको, इज दिस कंफर्टेबल टू एवरीवन, बताइए दोस्तों, इज दिस मैनेजेबल विथ एवरीवन, आई एम श्योर आप लोग करने के काबिल होंगे, आपको समझ आया होगा, वेरी गुड वेरी गुड। चारू ने सबसे पहले बताया था 31 आएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, सॉरी उसके पहले परेश ने बताया था, ओके, परेश गॉट इट, याशिका गॉट इट, कृणाल गॉट इट, चारू, शिव, इज दिस कंफर्टेबल, इफ दिस इज कंफर्टेबल लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, ओके। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, ओके, ये पूरा रब कर देते हैं, यस, इफ द टॉप 8 सीड्स मेक इट टू द क्वार्टर फाइनल, वेरी गुड। सो भैया ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लोग क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। देन हु अमंग द प्लेयर लिस्टेड बिलो वुड डेफिनेटली नॉट प्ले अगेंस्ट मारिया शारापोवा इन द फाइनल इन केस शी रिचेस द फाइनल, अगर वो फाइनल में पहुंचेगी तो ये पक्का है कि वो 8वें नंबर के साथ खेलेगी नहीं, ये सुनो, किस किस के साथ नहीं खेलेगी, 8 नंबर के साथ, क्योंकि वो अगली बार वो जीतने वाली है एक, बराबर है, फिर अगली मैच किसकी है, 2 और 7 के बीच में, फिर 3 और 6 के बीच में, और 4 और 5, ये सुनो, क्वार्टर फाइनल में मारिया शारापोवा इज गोइंग टू प्ले विथ 4 एंड 5,
So she will definitely not play in the final with 8 number player, 4 number player and 5 number player. इनके साथ खेलेगी नहीं, बराबर है. इनके बीच में इनमें से कोई भी जीत सकता है. वी डोंट नो, ये चार में से कोई भी बंदा फाइनल तक पहुंच सकता है. सो मारिया शारापोवा कैन प्ले विथ एनी ऑफ देम, बट फॉर श्योर मारिया शारापोवा मस्ट विन अगेंस्ट 8 सो दैट शी कैन रीच इन द फाइनल. ठीक है, शी मस्ट विन अगेंस्ट 4 or 5 जो भी जीतेंगे इस मैच में से, सो दैट शी कैन रीच इन द फाइनल. सो देयरफॉर शी इज नॉट प्लेइंग अगेंस्ट 8, 4, 5 इन द फाइनल. सो 8, 4, 5 में कौन है? 4 में किम क्लिस्जर है. ठीक है, किम क्लिस्जर है क्या? यस, तो वही आंसर हो गया फिर तो, खत्म. यस और नो? 8, 4, 5 के सामने वो कभी खेलेगी नहीं. इज दिस कंफर्टेबल टू एवरीवन? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. लॉजिक का खेल है दोस्तों, बाकी कुछ नहीं था. इट इज डैम इजी. Very good. I'm happy that people have understood this. Let's go for the next set. ये set आपको करना है दोस्तों. ये रहा आपका data, ठीक है, और उसके ऊपर से आपके सामने questions हैं. ठीक है, total आपके पास 4 questions हैं. ठीक है, मैं एक एक करके आपको question दिखाऊंगा. पहले table देख लीजिए और table के मुताबिक आप काम करिएगा. आपको ज़रूरत पड़े तो table कहीं पर लिखना हो तो आप लिख दीजिए, कोई problem नहीं है. The table below represents revenue of 4 firms in the 3 states. These firms are Honest Limited, Aggressive Limited, Truthful Limited, Profitable Limited. They are disguised in the table as ABCD. They are not in a particular order. Further, it is known that in the state of MP, Truthful Limited has the highest market share. Aggressive Limited's aggregate revenue differs from Honest Limited by rupees 5 million. I'm sure ये data देख के आपके दिमाग में calculation चालू हो चुका होगा. ये सुनो, आप उसको करने के काबिल बन रहे होंगे. आपने डेटा लिख दिया क्या? आप एक कागज़ पे फटाफट लिख दीजिए आपकी कॉपी में. ठीक है, और ये मुद्दा भी लिख दीजिए, ये 2 पॉइंट्स. यस, ठीक है, और ये 4 कंपनियों के नाम भी लिख दीजिए, सो दैट आगे जाकर 4 क्वेश्चन हम इजीली कर पाएंगे. ठीक है, इफ यू हैव रिटन इट से यस, डन लिख दीजिए यहाँ पे, सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड. ओके, इफ योर राइटिंग इज डन, मस्ट राइट डन. परेश ने लिख दिया है, वॉट अबाउट अदर पीपल? ओके, डन डन, वेरी गुड. व्हाट अबाउट शिव, याशिका, चारू? वेरी गुड, चारू इज डन. शिव एंड याशिका, शिव एंड याशिका, प्लीज टेल मी फास्ट. Yashika is done, very good. Shiv.
ओके आई एम मूविंग फॉरवर्ड, शिव यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, ओके ठीक है, चलिए आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए. व्हाट कैन बी सेड रिगार्डिंग द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट नंबर वन, प्रॉफिटेबल लिमिटेड, शिव का हो गया, वेरी गुड. प्रॉफिटेबल लिमिटेड हैज द लोएस्ट शेयर इन एमपी मार्केट. स्टेटमेंट नंबर टू, ऑनेस्ट लिमिटेड्स टोटल रेवेन्यू इज मोर देन प्रॉफिटेबल लिमिटेड. What can you say about these two statements? I'm going to give you 2 minutes for this, okay? Okay, she has some problem with internet. No worries. One minute is over. Do it fast. Paresh says answer is D. Neither statement 1 nor statement 2 is true. Okay. Dosto waise 2 minute ho chuki hai. I am just giving you 30 seconds more. Theek hai. Shiv 2 minute ke baad main aapko page 1 dikhata hu. 2 minute ruk matlab 15 second ruk jaiye. I'll do that. ओके लेट्स गो बैक. ठीक है अब देखिए क्या दिया था आपको. ये आपके पास कंपनियां एबीसीडी के फॉर्म में देके रखी हुई है. हमारे पास क्लैरिटी है नहीं. ठीक है हमें यहाँ पे कुछ डेटा दिया है. इन द स्टेट ऑफ एमपी ट्रूथफुल लिमिटेड हैज़ द हाईएस्ट मार्केट शेयर. सो आप देख सकते हैं कि एमपी में ये 72 है, ये 63 है, ये 72 है. सो दो सबसे ज़्यादा वाले कौन से हैं. ठीक है फॉर्म ए फॉर्म सी. सो दैट मीन्स इन दोनों में से ट्रूथफुल होंगे. मतलब ये पक्का ट्रूथफुल नहीं है और ये पक्का ट्रूथफुल नहीं है. यस और नो. चलिए ग्रेट दोस्तों ये तो समझ में आ गया होगा आपको. ठीक है ओके ठीक है. एग्रेसिव लिमिटेड एग्रीगेट रेवेन्यू डिफर्स फ्रॉम ऑनेस्ट बाई 5 मिलियन. ठीक है सबका एडिशन करना पड़ेगा तो पता चलेगा कि किसका क्या नंबर बन रहा है. यस चलिए ग्रेट दोस्तों. सो 9 + 9 18, 18 और 2 20, 0 2 6 12, 12 और 7 19, 190. यस ठीक है इसका हो गया 3 और 4 7 15 और 6 21 221 217. इज दिस कंफर्टेबल. यस 150 इज 150 प्लस दिस इज 222. ओके और 5 5 5 5 15 1 185. यस और नो. सो इन दोनों का डिफरेंस 5 का है. ठीक है और इन दोनों का डिफरेंस 5 का है. सो एग्रेसिव डिफर्स बाय ऑनेस्ट बाय 5 मिलियन. ठीक है अब हमें यह पक्का पता है कि इन दोनों में से ठीक है कोई एक मतलब सॉरी 63 और 65 में से कोई एक बंदा ट्रूथफुल होगा. यस और नो. ठीक है बराबर है. अब ये ट्रूथफुल है नहीं 63 वाला. ठीक है अगर ये 63 वाला ट्रूथफुल नहीं है बराबर है और ये 65 वाला भी नहीं होगा. सो इसको अगर मैं ट्रूथफुल मानता हूं ठीक है तो ये जो एग्रेसिव
और ऑनेस्ट है, ठीक है, एग्रेसिव और ऑनेस्ट कौन से बैठेंगे? बराबर है, एग्रेसिव और ऑनेस्ट कौन से बैठेंगे? ये तो बैठ सकते हैं क्या? नहीं, तो वो ये दो ही बैठेंगे, ये सर नो, ठीक है, दैट इज फॉर्म ए एंड फॉर्म डी। वापस समझिए दोस्तों, ए बी सी डी, ठीक है, ए का 72, बी 63, ये 72 और ये 65, ठीक है दोस्तों। ट्रूथफुल एज हाईएस्ट मार्केट शेयर, सो ये दोनों ट्रूथफुल नहीं है, बराबर है, ट्रूथफुल नहीं है, ये सुनो। अब ट्रूथफुल कौन बन सकता है? या तो ये ट्रूथफुल है, ठीक है, या तो ये ट्रूथफुल है, या तो ए और सी में से एक है, बराबर है, चलो ग्रेट दोस्तों। अब हमें ये बोला है कि भैया ए माइनस डी इज 5, विच मीन्स ये एग्रेसिव और ऑनेस्ट हो सकता है, ये सुनो। सिमिलरली सी माइनस बी एग्रेसिव और ऑनेस्ट हो सकता है, ये सर नो। देखिए दोस्तों, अब ट्रूथफुल या तो ए या तो सी हो सकता है, ए या सी में से एक हो सकता है, बराबर है। अगर मैं मानता हूं कि ए ट्रूथफुल है, अगर ए ट्रूथफुल है तो ये हमारा एग्रेसिव और ऑनेस्ट पक्का हो गया, ये सर नो। और अगर मैं मानता हूं कि सी ट्रूथफुल है, ठीक है, तो मेरे लिए एग्रेसिव और ऑनेस्ट वाला ये दुनिया बन गया, बराबर है। तो मेरे पास दो केसेस बनते हैं। इज दिस कंफर्टेबल टू एवरीवन? वेरी गुड। अब ये दिया इन्होंने, प्रॉफिटेबल लिमिटेड हैज़ द लोएस्ट शेयर इन एमपी मार्केट। प्रॉफिटेबल का लोएस्ट शेयर एमपी मार्केट में है, ठीक है। देखिए दोस्तों, वापस समझते हैं, है ना, केस नंबर वन। अब थोड़ा सा और क्लैरिटी हो गया हमारे मन में। ए अगर ट्रूथफुल है, ठीक है, ए अगर ट्रूथफुल है तो सी आपका एग्रेसिव हो गया और बी आपका ऑनेस्ट हो गया, तो प्रॉफिटेबल कौन हुआ? प्रॉफिटेबल हो गया आपका ऑटोमेटिकली डी, ये सुनो, ठीक है। अगर ये डी हो गया तो डी की वैल्यू कितनी है? 65। और इन्होंने बोला है दैट प्रॉफिटेबल एज अ लोएस्ट शेयर इन द मार्केट ऑफ एमपी, सही नहीं है, लेकिन नहीं है, इसका 65 है, दैट इज नॉट द लोएस्ट मार्केट शेयर, लोएस्ट मार्केट शेयर तो बी का है, ये सुनो, ठीक है। सो फर्स्ट इज नॉट डेफिनेटली अप्रोप्रिएट, बराबर है। अगर मैं ये मान लेता हूं केस नंबर टू, दैट मीन्स आई एम एज्यूमिंग दैट सी इज ट्रूथफुल। सी अगर ट्रूथफुल है तो ए आपका हो गया एग्रेसिव, डी आपका हो गया ऑनेस्ट। अगर ये ऐसा हो गया तो प्रॉफिटेबल कौन बन गया भैया? बी, ये सुनो। तो बी का वैल्यू कितना है? 63। इस केस में राइट है, पहले केस में राइट नहीं है, ओके इस केस में राइट है, पहले केस में राइट नहीं है, सेकंड केस में राइट है, हमें हर केस में राइट चाहिए, सो दिस इज नॉट राइट, ओके चलिए ग्रेट दोस्तों। स्टेटमेंट नंबर टू, ऑनेस्ट लिमिटेड टोटल रेवेन्यू इज मोर देन प्रॉफिटेबल लिमिटेड, ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। ऑनेस्ट कौन हो सकता है? पहले केस में ऑनेस्ट बी है, ठीक है, और प्रॉफिटेबल डी है, बराबर है। बी का टोटल रेवेन्यू 217 है, डी का टोटल रेवेन्यू 185 है, ये सर नो, विच मीन्स पहले केस में ये पॉसिबल है। हाँ भैया, ऑनेस्ट इज मोर, यू कैन से ऑनेस्ट इज ग्रेटर देन द प्रॉफिटेबल, यस फर्स्ट केस में राइट है। सेकंड केस में ऑनेस्ट कौन है? ऑनेस्ट है आपका डी, ओके ऑनेस्ट है आपका डी, और डी का टोटल रेवेन्यू कितना है? 185। प्रॉफिटेबल कौन है? बी, ओके सो बी का रेवेन्यू है आपका 217। सो ऑनेस्ट इज ग्रेटर देन प्रॉफिटेबल, नहीं, सेकंड केस में राइट नहीं है, सो दोनों केस में ये नहीं है, ठीक है, तो आंसर हो गया आपका नंबर 4। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? केसेस देख के करने थे, समझ आया आपको? से यस और नो फास्ट, ठीक है, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस टेल मी यस और नो सो दैट आई कैन प्रोग्रेस फर्दर। यस दोस्तों, जल्दी बताइए। Did you get this or not? That's a very important point. क्यों दोनों नहीं हुए? वो सब बिल्कुल चारू को समझ में आया, वेरी गुड। परेश का तो राइट था ही। कृणाल, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? शिव का शायद डी आया था आंसर। याशिका गॉट इट, वेरी गुड। कृणाल फास्ट टेल मी,
अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है. वेरी गुड, चलिए अगला सवाल करिए भैया. ये नंबर टू करना है ना, नंबर थ्री नहीं. नंबर टू के लिए दो मिनट आपके पास. व्हाट कैन बी सेड रिगार्डिंग द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स. हमारे पास दो केसेस बन गए थे. अब तो आपका कहानी बहुत सीधा हो जाना चाहिए. अगर आपने वो केसेस बना लिए जो मैंने यहाँ पे बनाए थे, इफ़ यू हैव डन इट, ये अगर आपने केसेस बना लिए, बिलीव मी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. Your 1 minute is over. What is the answer? Fast. Your time is over. Bataiye jaldi dosto, I'm waiting. If someone gives me answer, it should be good. वेरी गुड परेश, ओके, चलिए ग्रेट. अब आगे बढ़ते दोस्तों. अगर परेश ने एक आंसर दिया तो ट्राई करते हैं क्या है. हमारे पास दो केसेस थे. एग्रेसिव लिमिटेड्स लोएस्ट रेवेन्यू आर फ्रॉम एमपी. ओके, चलिए ग्रेट दोस्तों, है ना. एग्रेसिव लिमिटेड का लोएस्ट रेवेन्यू. अब देखिए एग्रेसिव कौन है. पहले केस में या तो सी है, ठीक है भाई. लोएस्ट रेवेन्यू सी का तो नहीं है, इट इज़ 72 एमपी में. ओके, और इसका से एग्रेसिव ए है वो भी 72 है, बराबर है, ठीक है. विच मीन्स ये जो स्टेटमेंट है, व्हाट कैन बी सेड अबाउट दिस. सो ये एग्रेसिव इज लोएस्ट फ्रॉम एमपी, ये तो शॉर्ट गलत है, ठीक है. ये तो शॉर्ट गलत है क्योंकि दोनों केस में आप देखिए, इन बोथ केसेस, ठीक है, एग्रेसिव या तो सी है या तो ए है, और दोनों में उसका नंबर 72 है. विच मीन्स ये स्टेटमेंट तो पक्का फॉल्स है.
it is necessarily false. So one is necessarily false. Necessarily false से काम हो गया है ना. फिर भी हम नंबर टू पढ़ेंगे. स्टेटमेंट टू इज ट्रू. ऑनेस्ट लिमिटेड्स लोएस्ट रेवेन्यू आर फ्रॉम बिहार. ऑनेस्ट कौन है? ऑनेस्ट 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 बी है ना. बी का यहाँ पे 69 है. सॉरी ऑनेस्ट है आपका बी विच इज 72 बराबर है. और यहाँ बी है ऑनेस्ट 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 कौन है? डी. ऑनेस्ट है आपका डी 65 है बराबर है. विच मीन्स अब हमारे पास क्या है कि भाई ऑनेस्ट लिमिटेड लोएस्ट रेवेन्यू आर फ्रॉम बिहार. ठीक है, तो ये बोला है स्टेटमेंट टू इज ट्रू, देन स्टेटमेंट वन इज नेसेसरीली फॉल्स. सो हमें अप्लाई करना है स्टेटमेंट टू इज ट्रू मान लेना है. सो दैट मीन्स ऑनेस्ट लिमिटेड लोएस्ट रेवेन्यू आर फ्रॉम बिहार, इसको हम सत्य मानेंगे. विच मीन्स हम मानेंगे कि वो लोएस्ट है, मतलब केस नंबर टू अप्लाई होता है. सो ऑनेस्ट है जो लोएस्ट है बिहार में विच इज 65 है. तो अगर ये मानते हैं ठीक है, तो आपका ऑटोमेटिकली अगेन से जो पहला पार्ट है वो पक्का गलत हो गया. एंड देयर बट दिस इज द आंसर. इज दैट ईजी? काफ़ी ईजी है दोस्तों. फिर मुझे लगता है कि आगे के दोनों ऑप्शन देखने की आवश्यकता है ही नहीं. ये सर नो. चलिए वेरी गुड दोस्तों, नंबर थ्री देखते हैं. बताइए दोस्तों जल्दी स्पीड में. नंबर थ्री, 2 मिनट्स. ये लिमिटेड टाइम दोस्तों, स्पीड में करिएगा. अब आपके पास सब कंडीशंस बहुत क्लियर है. सो आई एम गोइंग टू गिव यू लेस टाइम. परेश बोलते डी आंसर है. वेरी गुड. आई गिव यू 30 more seconds टू everyone, फास्ट. ओके, आई थिंक दिस इज प्रीटी डन. ठीक है, कोशिश करते हैं.
What can be said regarding the following two statements? Honest Limited has the highest share in UP market. तो हर केस में राइट होना चाहिए, यस और नो? ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं. Honest Limited must be having highest share in the UP market. UP market में highest share किसका है? B का, है ना? Honest पहले केस में B है, possible है. दूसरे केस में Honest D है. ओके, सो हम नहीं बोल सकते अभी के लिए तो, यस और नो? सो दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट, नॉट श्योर, नॉट श्योर, बराबर है? चलिए ग्रेट दोस्तों, ठीक है. ओके, एग्रेसिव लिमिटेड हैज़ द हाईएस्ट शेयर इन द बिहार मार्केट. एग्रेसिव लिमिटेड हैज़ द हाईएस्ट शेयर इन द बिहार मार्केट. एग्रेसिव कौन है? एग्रेसिव सी है, बराबर है? पहले केस में तो वहाँ पे उसका हाईएस्ट शेयर है क्या? नहीं. ठीक है, ये ए एग्रेसिव है, बराबर? सेकेंड केस में वो भी 69 है, नहीं है. मतलब ये पक्का है कि ये स्टेटमेंट तो पक्का रॉन्ग है, ये सुनो. चलिए ग्रेट दोस्तों, बराबर है? ओके, सो सेकेंड तो कभी राइट हो नहीं सकता, बराबर है? ओके, सो क्या हो सकता है राइट, बराबर है? ओके, ये तो रॉन्ग है. एट द मोस्ट वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, एट द मोस्ट वन ऑफ द स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू. ठीक है भाई, मैक्सिमम क्या हो सकता है? दो में से कोई एक स्टेटमेंट राइट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं पॉसिबल है. ठीक है, तो आंसर शुड बी 3. ये राइट हो सकता है, पॉसिबल है. ये एक केस में राइट हो रहा है क्या? Honest has the highest share in UP market. आप देखिए UP market में Honest कौन है? या तो B है या तो D है, बराबर है? B का वैल्यू कितना है? 82. D का कितना है? 55. सो B बराबर है ना, मतलब पॉसिबल है. विच मीन्स स्टेटमेंट के मुताबिक एट द मोस्ट वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू. इज दिस वैलिड? यस इट इज वैलिड, क्योंकि कुछ भी करो दोनों स्टेटमेंट तो राइट हो ही नहीं सकते. ये पक्का ही रॉन्ग है. ये राइट हो सकता है, इज इट पॉसिबल? यस, बट शॉर्ट शॉर्ट नहीं है. ठीक है, सो हम बोलेंगे एट मोस्ट वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, उससे ज़्यादा नहीं है. इज दिस कंफर्टेबल टू एवरीवन? वेरी गुड दोस्तों. ठीक है, पर सर दोनों केस में होना चाहिए ना? ओके परेश, बात ऐसी है कि इन्होंने ऐसा बोला कि एट मोस्ट वन स्टेटमेंट इज ट्रू. एट मोस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट मोस्ट? ठीक है, या तो स्टेटमेंट नंबर वन एंड टू दोनों रॉन्ग है, या दो में से कोई एक सही है. ये जो कंडीशंस है, ये तीनों तीन कंडीशंस आर कॉल्ड एट मोस्ट वन इज ट्रू. लॉजिकली ये बात समझ में आ रही है परेश आपको? यस, एट मोस्ट वन इज ट्रू, इसका ये मतलब है या तो दोनों गलत हैं, है ना, या दो में से कोई एक सही है. हमारे केस में ठीक है ये सब कुछ हो रहा था, इसलिए हमारा आंसर 3 हो गया. वेरी गुड परेश, चलिए ग्रेट नंबर 4 करके बताइए जल्दी. Ishutosh Narayan 2. Ishutosh is a new student. Ishutosh, are you a new student? Where are you from, Ishutosh? ओके ग्रेट, वेलकम आशुतोष. ओके, बेगूसराय बिहार से, वेरी गुड.
चलिए करें साथ में इसको, ग्रेट। इफ द प्रॉफिटेबल लिमिटेड इज का लोएस्ट रेवेन्यू इज फ्रॉम यूपी, देन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू। ओके चलिए ग्रेट, प्रॉफिटेबल लिमिटेड का लोएस्ट रेवेन्यू इज फ्रॉम यूपी। सो यूपी का लोएस्ट रेवेन्यू प्रॉफिटेबल का ये फॉर्म ए हो सकता है। चलो प्रॉफिटेबल हमारे पास कौन कौन है वो देख लेते एक बार, ये सुनो, या तो प्रॉफिटेबल डी है या बी है। ओके तो डी और बी के नज़रिए से अगर हम देखें तो प्रॉफिटेबल अगर मैं बी मानता हूँ तो उसका 82 है, विच इज़ नॉट लोएस्ट इन यूपी। ओके पर अगर प्रॉफिटेबल डी मानता हूँ तो उसका 55 है, विच इज़ लोएस्ट, विच मीन्स डी प्रॉफिटेबल है। मतलब हम इस केस के बारे में बात कर रहे हैं, केस नंबर वन। ओके चलिए ग्रेट दोस्तों, सो क्वेश्चन क्या पूछा है, देन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रूथफुल लिमिटेड का लोएस्ट रेवेन्यू इज फ्रॉम एमपी। ठीक है, सो दोस्तों ट्रूथफुल कौन बन गया, ट्रूथफुल ए है ना, और ए का लोएस्ट रेवेन्यू फ्रॉम एमपी गलत है, वो 72 है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सो दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट, यस और नो, सो दिस इज रॉन्ग। ट्रूथफुल्स लोएस्ट रेवेन्यूज आर फ्रॉम बिहार, ट्रूथफुल का खुद का लोएस्ट रेवेन्यू इज फ्रॉम बिहार, नो इट इज फ्रॉम यूपी, यस और नो, सो ट्रूथफुल वाला पॉइंट हो ये भी गलत हो गया, यस और नो, ट्रूथफुल्स लोएस्ट रेवेन्यू आर फ्रॉम यूपी परफेक्ट है ना, सो आंसर वुड बी सी। चलिए ग्रेट है दोस्तों, सो आई एम श्योर आपको ये सब बातें समझ में आ रही है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर एबल टू गेट एवरीथिंग इन अ राइट मैनर। सो दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग रिक्वायर्स गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है, पर साथ में एक सही अप्रोच, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। जैसे ये लास्ट क्वेश्चन में हमने केस बेसिस पे काम किया, वो आपको आना चाहिए। चलिए ग्रेट है दोस्तों, इस वीक के लिए सेशंस के मुताबिक आज इतना ही है। ठीक है, विल बी हैविंग अगेन से दिस करंट अफेयर का मॉड्यूल अवेलेबल टू यू इन आफ्टरनून टुडे। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा, और एक आध कोई सेशन मैं आपके लिए शायद सैटरडे संडे के नज़रिए से जो एक जनरल ज्ञान का कोई सेशन होगा वो मैं आपके लिए करना चाहूँगा, सो आई विल डू इट। ओके बट आपके लिए बहुत सारा काम है, प्लीज़ कर दीजिएगा। ओके थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड कमिंग ईयर, एंड डू नॉट मिस आउट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट। वी आर ऑल्सो डूइंग वन इंटरेस्टिंग थिंग ऑन टेलीग्राम, टेलीग्राम के अंदर हम आपके लिए एक मज़ेदार सा अगेन से एक्सरसाइज क्विज के फॉर्म में लेकर आते हैं दोस्तों, प्लीज़ उसको अटेंड करने का भूलिएगा मत। ओके थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।